जरा इस आदमी को देखिए, ये बेचारा अपने बढ़ते हुए वजन से बहुत परेशान है। पिछले कई सालों से उसने अपने इस बढ़ते मोटापे को कम करने की कोशिश की, लेकिन उसके ठूस ठूस कर खाना खाने की आदत की वजह से उसका ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब उसने वजन नापने वाली मशीन में एक कांटे की भी गिरावट देखी हो। लेकिन एक दिन एक आदमी उसे पतला होने का शराब देता है, जिसके बाद उसका वजन अपने आप ही कम होने लगता है। ऊपर ऊपर से देखकर आपको लगेगा कि ये तो अच्छी बात हुई, भला ये शराब कैसे हुआ। वो अपना वजन कम करना चाहता था और अब उसका वजन अपने आप ही कम हो रहा था, वो भी बिना किसी एक्सरसाइज या फिर किसी भी तरह की डाइटिंग के। लेकिन यहाँ मुसीबत की बात ये थी कि उस आदमी का वजन गिरता ही जा रहा था और वो जितना खाता उसका वजन उतना ही कम हो रहा था। अब ये आदमी अपने आप को शराब से कैसे बचाता है, पूरी कहानी जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी मूवी जिसका नाम है थिनर। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है बिली को दिखाते हुए। बिली बाई प्रोफेशन एक लॉयर था और वो बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ डील करता था। इस आदमी के पास अच्छा खासा पैसा है और अगर आपको कोई केस जीतना है तो बिली बिना किसी शक के आपके शहर का सबसे बेस्ट लॉयर था। दुनिया जमाने की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बावजूद भी बिली बेचारा अपनी खुद की प्रॉब्लम से डील नहीं कर पा रहा था। उसकी लाइफ की सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, जो था उसका मोटापा। उसे कुछ न कुछ खाते रहने की बहुत गंदी बीमारी थी, जिसकी वजह से उसका वजन बढ़ता जा रहा था और बढ़ते बढ़ते वो कैसे 300 पाउंड का हो गया उसे खुद भी इसका एहसास नहीं हुआ। बिली के परिवार में थी उसकी वाइफ जिसका नाम हाइडी है और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम लिंडा है। हाइडी भी अपने पति के इस खाते रहने की बीमारी से बहुत परेशान थी, इसलिए उसने एक डॉक्टर से कंसल्ट करके उनसे एक स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट सलाह मशवरा लेकर बिली को डाइट पर रखा था। इतना सब कुछ करने के बावजूद बस वो एक काम करना भूल जाती थी और वो था बिली को अपना वजन नापते हुए अपनी आंखों से देखना, क्योंकि बिली उसे अपना वेट उसके असली वेट से कम ही बताता था। वो मेहनत तो बहुत करता था लेकिन उसकी सारी मेहनत का रिजल्ट जीरो होता था, क्योंकि वो अपने खाने की आदत को कंट्रोल नहीं कर रहा था। खैर, उन सभी की लाइफ किसी ना किसी तरह से कट रही थी, कम से कम उनके पास इज्जत और पैसा तो था। हम देखते हैं कि बिली पिछले कई महीनों से एक माफिया के लिए कोर्ट केस लड़ रहा था। इस माफिया बॉस का नाम रिची है और उसके ऊपर किसी के खून के संगीन इल्जाम थे। बिली बेशक आलसी और मोटा था, लेकिन एक काम उसे बहुत अच्छे से आता था और वो था कोर्ट में अपने क्लाइंट्स को डिफेंड करना। वो शब्दों के साथ खेलने में बहुत माहिर था और उसकी इसी खूबी के चलते बिली आखिर में रिची को उन मर्डर चार्जेस से सही सलामत निकाल लेता है। जज ने रिची को बेगुनाह कहा था और इसी के साथ उसके केस को वहीं पर क्लोज कर दिया जाता है। रिची बिली को थैंक यू कहता है, क्योंकि अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो शायद अब तक किसी जेल में चक्की पीस रहा होता। एक दिन जब रोज की तरह बिली अपने ऑफिस जाता है तो वो देखता है कि कुछ जिप्सी लोगों ने उसके ऑफिस के पास जिप्सी फेयर लगा रखा था। जिप्सी उन लोगों को कहा जाता था जिनके खुद के कोई घर नहीं होते हैं और वो एक वैन में बैठकर एक शहर से दूसरे शहर घूमते रहते हैं। ये लोग मेला लगाकर अपनी ज्यादातर कमाई करते थे और उस मेले में वो काफी कुछ बेचते थे, काफी कुछ मतलब सच में काफी कुछ। लेकिन इस बार उन्होंने मेला लगाने के लिए जो जगह चुनी थी वो काफी गलत थी, क्योंकि उन्होंने एक कोर्ट के बाहर मेला लगाया था जिससे वहाँ के जज और कुछ वकीलों को प्रॉब्लम थी। हम देखते हैं कि उनके ऑर्डर पर पुलिस उन लोगों को जबरन वहाँ से हटाने लगती है, जिसकी वजह से जिप्सी कम्युनिटी के लोग नाराज हो जाते हैं। हम यहाँ पर गीना नाम की एक लड़की को देखते हैं, वो काफी सुंदर थी और उसे देखकर काफी सारे वकील अपनी आंखें सेक रहे थे। बिली भी उसे देखकर थोड़ा थोड़ा शर्मा रहा था। गीना जो उन लोगों को वहाँ से हटाए जाने से बहुत गुस्सा थी, वो बिली को अपना शरीर दिखाकर थोड़ा टीज करती है और जब बिली उसे देखकर लार टपका ही रहा था तभी गीना उस पर थूक कर वहाँ से चली जाती है। आखिर बिली को उससे क्या लेना देना, उसे तो आज रात अपनी वाइफ के साथ रिची की पार्टी में जाना था। हम देखते हैं कि पार्टी में भी बिली अपने खाने की लत के चलते जरूरत से ज्यादा खाने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि हाइडी उसके साथ थी इसलिए वो उसे खाने से रोक लेती है। वो दोनों जब घर वापस आ रहे थे तो बिली हाइडी को बताता है कि उसे खाने की बहुत क्रेविंग हो रही है। वो कहता है कि पार्टी में तो तुमने मुझे खाने से रोक लिया, लेकिन उसे नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन तक ऐसा कर पाएगी, क्योंकि वो 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ खाने के बारे में सोचता रहता है। हाइडी उसे कार में सेड्यूस करने लगती है, क्योंकि वो चाहती थी कि बिली खाने के बारे में भूल जाए और सिर्फ उस पर फोकस करे। दूसरी तरफ हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो एक मेडिकल स्टोर पर अपनी दवाइयां लेने आया था।
उसकी बेटी उसे कहती है कि उसे बहुत ठंड लग रही है, मैं बाहर जाकर अपना कोट लेकर आती हूँ। उसकी बेटी जैसे ही बाहर जाती है, हम देखते हैं कि एक मनहूस इत्तेफाक के चलते बिली भी उसी रोड पर कार चला रहा था, और क्योंकि उसका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसकी वाइफ पर था, इसलिए जब उस बूढ़े आदमी की बेटी अचानक से उसकी कार के सामने प्रकट हो जाती है तो बिली समय रहते ब्रेक नहीं लगा पाता। वो औरत बिली की कार के नीचे आकर मारी जाती है और बिली को हिट एंड रन के केस में अरेस्ट कर लिया जाता है। बिली की जल्द ही कोर्ट में पेशी थी, लेकिन वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उस एक्सीडेंट में उसकी गलती थी। उसका मानना था कि एक्सीडेंट कोई क्राइम नहीं है और उसने किसी का खून नहीं किया। बिली एक शातिर वकील था, जब उसने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को कोर्ट में बेगुनाह साबित किया था तो ये तो उसके लिए बहुत छोटी बात थी। हम देखते हैं कि कोर्ट का जज और एक पुलिस ऑफिसर बिली के पक्ष में फैसला सुनाते हैं, क्योंकि उन लोगों के दिल में उस बूढ़ी औरत के लिए कोई दया भावना नहीं थी। और आखिर हो भी कैसे, क्योंकि उस रात वो बूढ़ा आदमी और उसकी बेटी उस मेडिकल स्टोर में चोरी करते हुए पकड़े गए थे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जज बिली को बेगुनाह कहता है और इस केस को यहीं डिसमिस कर दिया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अपनी बेटी के खूनी को इतनी आसानी से जाता देखकर गुस्से से पागल हो रहा था। बिली जैसे ही कोर्ट के बाहर आता है, वो बूढ़ा आदमी तुरंत उसके पास जाता है। वो बिली के गालों पर अपना हाथ फेरता है और एक शब्द बोलकर वहां से चला जाता है। बिली को जरा भी एहसास नहीं था कि वो बूढ़ा आदमी उसे शराब देकर वहां से भाग रहा था, जो आने वाले कुछ हफ्तों में उसकी जिंदगी बद से भी बदतर कर देगा। इसके अगले दिन बिली जब हर रोज की तरह अपना वजन नापता है तो वो देखता है कि उसका वजन 40 पाउंड कम हो गया था। वो ये देखकर बहुत हैरान था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में आज से पहले अपने वजन में इतनी बड़ी गिरावट कभी नहीं देखी थी। खैर, उसे इस बात की इतनी भी ज्यादा हैरानी नहीं होती। उसे लगा कि ये सब उसकी डाइट का कमाल है, वो इतने महीनों से उसे फॉलो कर रहा है, कभी ना कभी तो उसे अपना असर दिखाना ही था। बिली अब पहले से काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसने जो मांगा था आखिरकार अब उसे मिल रहा था। एक दिन हम देखते हैं कि वो जज, जो बिली का अच्छा दोस्त भी था, वो बिली को अपने शरीर पर एक निशान दिखाता है। ये निशान हाल फिलहाल में ही उसके शरीर पर आया था और उसे लेकर वो जज थोड़ा परेशान था। एक डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर माइक था, वो उसे कुछ दवाइयां देता है और उसे बताता है कि ये बहुत कॉमन स्किन डिजीज है जो जल्द ही ठीक हो जाएगी। लेकिन वो जज किसी और बात को लेकर थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। वो बिली से कहता है कि एक बात थी जो मैं तुम्हें बताना भूल गया। वो कहता है कि तुम्हारे हिट एंड रन केस का फैसला सुनाने के बाद उस बुढ़िया का बाप मेरे पास आया था और उसने मुझे छूकर कुछ शब्द बोले थे। बिली को याद आता है कि उस बूढ़े आदमी ने भी उसके साथ भी कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन वो दोनों उस पर इतना ध्यान नहीं देते। अगले दिन हम देखते हैं कि बिली का वजन 30 पाउंड और कम हो गया था और इस बार वो भी थोड़ा डर गया था, क्योंकि किसी भी इंसान का शरीर इतनी जल्दी इतना सारा वेट लूज नहीं करता। बिली अब इतना पतला हो गया था कि अब उसे उसके कपड़े फिट नहीं आ रहे थे, इसीलिए उसे अपने लिए नए कपड़े सिलवाने पड़ते हैं। हाइडी, जो हर रोज उसके वेट की सारी जानकारी रखती थी, वो देखती है कि बिली का वजन कम होना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो उसे तुरंत डॉक्टर के पास चलकर एक हेल्थ चेकअप कराने को कहती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसे कैंसर तो नहीं। बिली ये सुनकर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा उसे इनसिक्योर फील कराती थी। जब वो मोटा था तो उसे लगता था कि कहीं उसे हार्ट अटैक ना जाए, और जब वो किसी तरह पतला हो रहा है तो उसे लगता है कि अब उसे कैंसर है, वो कभी उससे बहस में नहीं जीत सकता। हाइडी उसे कहती है कि उसके लिए ना सही, लेकिन उसे एक बार अपनी बेटी के लिए हेल्थ चेकअप करवा लेना चाहिए। इसके बाद बिली जब हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टर माइक के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका शरीर एकदम ठीक था, उसकी बॉडी में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसका हार्ट रेट, कोलेस्ट्रॉल, बीपी सब कुछ नॉर्मल था और उसे कैंसर तो बिल्कुल नहीं था। बिली अपने खाने की लत की वजह से वो पूरा दिन खाता रहता था और वो अपने वजन को बढ़ाने के लिए अब पहले से ज्यादा खाने लगा था। हाइडी उसे कहती है कि उसे अपने खाने पर कंट्रोल करना चाहिए, और ये सुनकर बिली और गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि वो हर दिन इतना खाता रहता है, फिर भी उसका वजन हर दिन 20 पाउंड कम हो रहा है। वो कहता है कि मैंने परसों बस एक बार लंच नहीं किया था और उसी दिन उसका 50 पाउंड वजन कम हो गया, और तुम कह रही हो कि मैं खाना बंद कर दूं। बिली उस पर उस दिन के एक्सीडेंट को लेकर गुस्सा था, क्योंकि उस एक्सीडेंट के बाद से ही उसके साथ ये सब हो रहा था। हर बार की तरह इस बार भी बिली अपनी गलती नहीं मानता और हाइडी को कहता है कि अगर उस रात तुम मेरे साथ कार में नहीं होती तो वो बुढ़िया आज भी जिंदा होती।
बिली अपने हेल्थ के बारे में जानने के लिए डॉक्टर माइक के पास जाता है और वहां जाकर वो देखता है कि उसके जज दोस्त की वाइफ एक टेबल पर अकेले बैठकर रो रही थी। वो भी डॉक्टर माइक से मिलने आई थी। बिली उसे पूछता है कि वो इतनी उदास क्यों है, क्या जज की तबीयत खराब है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। माइक उसे कहता है कि उसकी बहन का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो उसे मिलने गया है। लेकिन बिली जानता था कि जज की कोई बहन नहीं है, इसका मतलब माइक उसे झूठ बोल रहा था। उस रात वो अपने दोस्त के घर जाता है ये देखने के लिए कि ऐसा क्या हुआ कि उसने कोर्ट में आना ही बंद कर दिया। पहले पहले तो उस जज की वाइफ बिली को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन जब बिली उसे बताता है कि उसके साथ भी कुछ दिनों से ऐसा कुछ हो रहा है जो उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ, तो वो उसे अंदर आने देती है। बिली उसे बताता है कि उसने पिछले 2 हफ्तों में अपना 100 पाउंड वजन लूज कर दिया है। जिसके बाद उस जज की वाइफ बिली से पूछती है कि क्या तुम्हें भी उस बूढ़े आदमी ने छुआ था। वो कहती है कि अगर उसने तुम्हें छुआ है तो कुछ दिनों में तुम्हारे साथ भी वही होगा जो आज मेरे पति के साथ हो रहा है। वो कहती है कि वो आदमी लोगों को शराब देता है। एक रात वो अचानक से ही उनके सामने आ गया और उसने कैरी को छूकर एक शब्द बोला, जिसके बाद से ही उनकी तबीयत खराब है और उनके शरीर का वो हाल हो चुका है कि वो अब किसी से मिलने भी नहीं जाते। बिली उसे कहता है कि जिप्सी कर्स जैसी कोई चीज नहीं होती, और ये सुनकर वो बिली के ऊपर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने जो अपनी आंखों से देखा था उसकी सच्चाई उसके शब्दों में नजर आ रही थी। वो बिली से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुमने उस दिन उस बूढ़े आदमी की बेटी को नहीं मारा होता तो आज ये सब नहीं होता। वो बिली को अपने पति की इस हालत का जिम्मेदार ठहराती है और उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। बिली भी अब डरा हुआ था क्योंकि उसके साथ भी पिछले कुछ दिनों से ऐसा कुछ हुआ था जो उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ। वो तुरंत अपने क्लाइंट रिची के पास फोन करता है। वो रिची से पूछता है कि क्या वो जिप्सी कर्स जैसी चीजों पर विश्वास करता है। अब रिची के लिए एक लॉयर के मुंह से ऐसी बातें सुनना थोड़ा अजीब था, पर वो फिर भी कहता है कि वो इन बातों पर विश्वास नहीं करता। बिली फोन काटने ही वाला था कि तभी रिची उसे कहता है कि मैं एक बार अपनी माँ से इसके बारे में पूछता हूँ। रिची की माँ उसे बताती है कि जिप्सी कर्स सच में होता है और उस शराब को वही वापस ले सकता है जिसने वो शराब दिया था। बिली अपनी वाइफ को बताता है कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये कोई बीमारी नहीं है और अब उसे इस बात पर पूरा यकीन है। हाइडी उसे कहती है कि तुम बार बार उसी बात को लेकर बैठ जाते हो। उसका मानना था कि ये एक मेडिकल कंडीशन है और इसका इलाज किया जा सकता है। बिली अपनी वाइफ पर बहुत गुस्सा था क्योंकि वो उसकी सुनने को तैयारी नहीं थी, पर तभी उसे याद आता है कि उसके केस में सिर्फ वो जज ही उसके साथ नहीं मिला हुआ था बल्कि ऑफिसर डंकन ने भी उसके लिए झूठी गवाही दी थी। उसे अब डर था कि कहीं उस बूढ़े आदमी ने उसके साथ भी वही ना किया हो जो उसने उन दोनों के साथ किया था। डॉक्टर्स बिली को झूठा दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे, पर बिली अब समझ गया था कि अब उसे क्या करना है। एक रात वो ऑफिसर डंकन से मिलने जाता है। बिली उसके घर के सामने काफी देर तक खड़े होकर बेल बजाता है, लेकिन उसे अंदर से कोई जवाब नहीं आता। बिली उसे कहता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं, उसे पता है कि जज के साथ क्या हुआ है। कुछ देर बाद डंकन उसके लिए गेट खोल देता है और उसे अंदर आने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि डंकन का आधा शरीर किसी बलून की तरह फूल गया था। वो बिली से कहता है कि देखो तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे क्या इनाम मिला है, मेरी तो इसमें कोई बड़ी गलती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उस बूढ़े आदमी ने मुझे शराब दे दिया। बिली उसे कहता है कि हमने जो कुछ भी किया वो बस एक एक्सीडेंट था और कोई अपने गुनाहों की इतनी बुरी सजा का हकदार नहीं होता। वो कहता है कि मैं उस आदमी को ढूंढ लूंगा और हम उसे समझाएंगे कि वो अपने शराब को वापस ले ले। डंकन ये सुनकर उस पर हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो ऐसा करेगा, उसने हमें ये शराब दिया ही इसलिए था ताकि हम उसके पास गिड़गिड़ाते हुए जाएं और उससे माफी की भीख मांगे। वो कहता है कि वो बुड्ढा हमें कभी माफ नहीं करेगा, और इतना कहकर वो ड्रॉअर से अपनी गन निकालता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ढूंढो और जब वो तुम्हें मिल जाए तो तुम उसे मार देना। बिली उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे मारना उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं है, लेकिन डंकन उसे जबरदस्ती वो बंदूक देने लगता है, जिसके बाद बिली को वहाँ से मजबूरन उठकर जाना पड़ता है। बिली जैसे ही थोड़ी दूर जाता है उसे डंकन के घर से गोली चलने की आवाज आती है, जिसका मतलब ये था कि उसने खुदकुशी कर ली थी। बिली दोबारा उसे देखने तक नहीं जाता क्योंकि उसे जल्द से जल्द उस बूढ़े आदमी को ढूंढना था और वो नहीं चाहता था कि पुलिस को उस पर जरा भी शक हो। बिली जब अपने घर आता है तो वो देखता है कि डॉक्टर माइक उसके घर से बाहर आ रहा था। माइक का देर रात को उसके घर पर इस तरह आना उसके दिमाग में शक पैदा कर देता है कि कहीं उसकी वाइफ और डॉक्टर माइक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं चल रहा।
वो अब अपनी वाइफ से भी बहुत गुस्सा था और उसके हर एक सवाल का जवाब गुस्से में देने लगा था। अगले दिन हम देखते हैं कि डंकन के घर वालों को उसकी लाश घर में पड़ी हुई मिल जाती है और उसकी हालत बहुत बुरी थी। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसके लिए इकट्ठा होता है और पूरे सम्मान के साथ डंकन का अंतिम संस्कार किया जाता है। इसी बीच माइक बिली से कहता है कि उसे दोबारा से क्लिनिक जाकर अपनी दवाइयों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन बिली दोबारा उस जगह जाकर अपना टाइम खराब नहीं करना चाहता था। बिली इस बात से बहुत गुस्सा था कि उसकी खुद की वाइफ अपने खुद के पति पर विश्वास करने से ज्यादा उस डॉक्टर की बातों पर ज्यादा विश्वास कर रही थी, ये जानते हुए भी कि उसके साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। बिली को पता चलता है कि जिस औरत को उसने मारा था वो उस बूढ़े आदमी की बेटी थी। उसे पहले तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि वो बुढ़ा 106 साल का था, लेकिन उसने जो उसके साथ किया था उसके सामने तो ये बहुत छोटी चीज थी। और उसे ये भी पता चलता है कि कोर्ट के बाहर जो लड़की उसे इशारे कर रही थी वो उस बूढ़े आदमी की ग्रैंड डॉटर थी। बिली का दोस्त उसे कहता है कि ये लोग सीजन खत्म होते ही तुम्हें पास के ही एक शहर में मिल जाएंगे, लेकिन बिली के पास इतना समय नहीं था क्योंकि वो दिन ब दिन पतला होता जा रहा था। इसके बाद जब बिली दोबारा अपने घर आता है तो वो देखता है कि एक बार फिर से माइक की कार उसके घर के बाहर खड़ी थी। वो जब चुपके से अपने घर के अंदर आता है तो वो देखता है कि माइक और उसकी वाइफ आपस में बात कर रहे थे। वो दोनों किसी कोर्ट केस के बारे में बात कर रहे थे। बिली से ये देखा नहीं जाता और वो उनके बीच में बोल पड़ता है। वो समझ गया था कि वो दोनों उसके पीछे किसी तरह की खिचड़ी पका रहे थे, पर वो ना ही उनसे उसके बारे में कोई सवाल करता है और ना ही उनसे लड़ाई करता है। हम देखते हैं कि वो चुपचाप घर छोड़कर चला जाता है और जाने से पहले उसने हाइडी के लिए एक लेटर छोड़ा था। उसने उस लेटर में लिखा था कि वो उस बूढ़े आदमी को ढूंढने जा रहा है, वो जल्द ही वापस लौट आएगा और अगर उसके और माइक के बीच में कुछ चल रहा है तो उसके आने से पहले उन दोनों के बीच में सब कुछ खत्म होना चाहिए। बिली जब अपने दोस्त की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचता है तो वो देखता है कि जिप्सी लोग वहां से एक दिन पहले ही जा चुके थे। जिस जगह पर वो लोग रुके थे उस जगह के मालिक से बिली पूछता है कि वो लोग कहां गए। वो आदमी बिली को बता तो देता है कि वो लोग किस ओर गए हैं, लेकिन उसके बाद वो बिली से $800 मांगता है। वो बिली की मजबूरी का फायदा उठा रहा था क्योंकि बिली के जाने के बाद हाइडी ने उसके मिसिंग के पोस्टर छपवाए थे और उसका पता देने वाले पर $5,000 का इनाम भी रखा था। ओनर समझ गया था कि ये आदमी अपनी मर्जी से अपना घर छोड़कर आया है और ये नहीं चाहता कि ये पकड़ा जाए, इसीलिए वो बिली की मजबूरी का पूरा फायदा उठाता है। इसके बाद बिली अपनी रात गुजारने के लिए एक होटल में जाता है, लेकिन जब वो कार को पार करके ऊपर जा रहा था तभी वो दीवार पर एक पोस्टर देखता है। वो पोस्टर उन जिप्सी लोगों के मेले का था। बिली बिल्कुल भी इंतजार नहीं करता और वो भाग कर उनके पास जाता है। हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी और गीना वहाँ पर लोगों को एंटरटेन कर रहे थे। वो बूढ़ा आदमी तो उन लोगों की जिंदगी नर्क बनाकर उन्हें मानो जैसे भूल ही गया था। बिली देखता है कि वो अकेला नहीं था जिसे उस आदमी ने पतला होने का शराब दिया था। उसके जैसे और भी बहुत सारे लोग थे जो पतले होते होते इतने पतले हो गए कि उन लोगों का शरीर एक डॉल बन गया था और वो जिप्सी लोग उन्हीं डॉल्स को मेले में बेचा करते थे। गीना जब बिली को देखती है तो वो उसे मारने के लिए उसका पीछा करती है। इससे पहले वो उन लोगों के हाथ लगता, हम देखते हैं कि एक आदमी बिल्कुल सही समय पर बिली को वहां से भगाकर ले जाता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही जज था और वो भी उस बूढ़े आदमी को ढूंढ रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग उनका पीछा नहीं छोड़ते। वो बूढ़ा मतलब 106 साल का वो बूढ़ा ट्रक चलाकर उन दोनों का पीछा करता है और वो दोनों उन ट्रक्स के नीचे कुचलकर मारे जाते हैं। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती क्योंकि हम देखते हैं कि ये सब बिली का एक बुरा सपना था। उसकी जैसे ही नींद खुलती है तो वो बहुत घबराया हुआ था और तभी उसके फोन पर किसी का फोन आता है। बिली को पता चलता है कि उसका दूसरा दोस्त यानी वो जज जो काफी दिनों से उस शराब से जूझ रहा था उसने आखिर में तंग आकर सुसाइड कर लिया। बिली उसके लिए बहुत दुखी था, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सुसाइड नहीं करेगा और अगर उसे मरना ही है तो वो उस बूढ़े को मारकर ही मरेगा। बिली पूरे शहर में उस बूढ़े आदमी की तलाश करता हुआ एक बार में आता है। खुशकिस्मती से उसे वहाँ पर एक आदमी मिल जाता है जो उन लोगों के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। वो बिली को बताता है कि उसे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए होंगे, लेकिन वो जहाँ भी जाते हैं हमेशा कुछ न कुछ बजाते हुए जाते हैं। वो उसे एक एड्रेस देता है जहाँ पर उसने उन लोगों को आखिरी बार देखा था। बिली जब उस जगह पर जाता है तो वो देखता है कि उन जिप्सी लोगों की पूरी टोली वहीं पर बैठकर अपनी रात काट रहे थे। बिली जब उन लोगों के पास जाता है तो सभी लोग उसे देखकर खड़े हो जाते हैं। सभी उसके बारे में जानते थे क्योंकि बिली ने उनकी फैमिली में किसी करीबी की जान ली थी। गीना जैसे ही उसे देखती है तो वो उस पर थूक कर उसकी इंसल्ट करती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो बिली को शैतान कहते हैं क्योंकि उसने गीना की माँ का खून किया था।
लेकिन विली उन्हें अपने शरीर की दुर्दशा दिखाकर उनसे रहम की भीख मांगता है। वो कहता है कि ये सब करने से उसकी माँ वापस नहीं आने वाली। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। वो बूढ़ा आदमी बिली को कहता है कि वो तुम्हारी गलती थी कि तुमने मेरी बेटी को सड़क से गुजरते हुए नहीं देखा, और वो दोनों तुम्हारे दोस्त उन्होंने पूरी कोशिश की कि तुम्हें जेल ना जाना पड़े, उन्होंने तुम्हें सुरक्षित रखना चाहा, ये जानते हुए भी कि तुमने गलत किया था। बिली कहता है कि वो दोनों मर चुके हैं और क्या तुम्हें लगता है कि उनके मरने से तुम्हारी बेटी वापस आ जाएगी। वो कहता है कि तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो गलत है, वो ये डिजर्व नहीं करता। पर वो बूढ़ा आदमी बिली को समझाता है कि इंसाफ सही या गलत नहीं देखता, इंसाफ इंसाफ होता है, और तुम्हारे दोस्तों के साथ जो हुआ और तुम्हारे साथ जो होगा वो भी इंसाफ है, इंसाफ जो तुम्हारा कानून नहीं कर पाया। बिली उसे कहता है कि तुम्हें जस्टिस के बारे में उतना ही पता है जितना मुझे टर्बाइन इंजन के बारे में। मतलब वो कहना चाह रहा था कि वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी बिली से कहता है कि वो अपने शराब को वापस नहीं लेने वाला, वो उन्हीं शब्दों के साथ मर जाएगा लेकिन कभी उसे आजाद नहीं करेगा। हम देखते हैं कि बिली उसके पैरों पर गिर जाता है और उससे माफी की भीख मांगने लगता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो इस बार वो उसे ऐसा शराब देगा कि तुम्हें पहले वाला शराब उसके मुकाबले एक वरदान लगने लगेगा। बिली उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो कहता है कि तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। बिली उसे और उसके परिवार को शराब देता है और कहता है कि एक दिन तुम लोग मुझसे भी बेकार मौत मरोगे। लेकिन सभी जिप्सी लोग उसकी बातों को सुनकर हंसने लगते हैं क्योंकि बिली एक आम इंसान था और उसके शब्दों की कोई वैल्यू नहीं थी। उनके बार बार समझाने पर भी बिली वहां से जाने को तैयार नहीं था, इसीलिए गीना एक स्लिंग शॉट से उस पर हमला करती है। बिली का शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वो उसके हमले को झेल नहीं पाता और उसके हाथ में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। बिली वहां से भाग तो जाता है लेकिन उसके हाथ से खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बिली मदद के लिए रिची को फोन करता है क्योंकि एक वही था जो उसकी सुन रहा था। रिची को जब पता चलता है कि उसे चोट लगी है तो वो तुरंत उसकी मदद के लिए उसके पास एक डॉक्टर भेजता है। बिली ने किसी तरह अपने हाथ पर कपड़ा लगाकर अपने खून को बहने से रोक तो लिया था, लेकिन उसे तुरंत इमरजेंसी मेडिकल केयर की जरूरत थी। रिची का भेजा हुआ डॉक्टर जब बिली की हालत देखता है तो वो भी उसे तुरंत ही एडमिट होने की सलाह देता है। डॉक्टर को उसे अपनी खुद की मेडिसिन तक देनी पड़ती है क्योंकि अगर उसका खून ऐसे ही बहता रहता तो उसे कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता था। हम देखते हैं कि अगले दिन रिची खुद उसे मिलने आता है और जब वो बिली की हालत देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि अगर तुम्हारी ये हालत थी तो तुम्हें मुझे बहुत पहले ही बुला लेना चाहिए था। रिची बिली को बताता है कि सिर्फ यही चीज नहीं है जो तुम्हारे साथ बुरी हो रही है। वो उसे बताता है कि तुम्हारे गायब होने के बाद से ही डॉक्टर माइक और तुम्हारी पत्नी तुम्हें पागल प्रूफ करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि वो तुमसे कानूनी तौर पर पीछा छुड़ा सकें। बिली अब समझ गया था कि माइक उसे बार बार क्लिनिक भेजने पर इतना जोर क्यों डाल रहा था और हाइडी क्यों उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी। उसका शक अब यकीन में बदल गया था और वो फैसला करता है कि अगर वो बच गया तो वो हाइडी को उसके किए की सजा देगा। इसके बाद वो दोनों रात होते ही उन जिप्सी लोगों के ठिकाने पर जाते हैं। रिची जानना चाहता था कि ये लोग कब और कहां जाते हैं ताकि वो सही मौके की तलाश करके उन पर हमला कर सके। बिली उसे कहता है कि हम किसी को चोट नहीं पहुंचाने वाले, हमें बस उस बूढ़े को समझाना है कि वो अपना कर्ज उस पर से वापस ले ले। वह रिची उसे कहता है कि अगर उसने उससे ये सवाल दोबारा पूछा तो वो शायद उसकी मदद ना कर सके क्योंकि रिची एक गैंगस्टर था और उसका काम ही था लोगों को नुकसान पहुंचाना। हम देखते हैं कि रिची एक लड़की को उन लोगों पर नजर रखने के लिए कुछ पैसे देता है जिसके बाद वो कुछ दिन इंतजार करते हैं। बिली की हालत अब और खराब हो चुकी थी और सिर्फ रिची के भरोसे था। एक दिन उन्हें उस लड़के का फोन आता है और वो रिची को अंदर की सारी जानकारी देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि गीना ने उसे देख लिया था। उस लड़के के फोन काटने के बाद वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे उस बूढ़े आदमी के पास लेकर जाते हैं। रिची जब अपने हथियार तैयार कर रहा था तभी बाहर बिली एक अनजान कार को देखता है। वो दोनों जब उस कार के अंदर झांकते हैं तो उन्हें उसके अंदर उस लड़की की लाश मिलती है जिसे रिची ने उन लोगों की जासूसी करने के लिए पैसे दिए थे। रिची अब गुस्से से आग बबूला हो गया था क्योंकि उन लोगों ने उसके आदमी को मारा था। बिली उसे कहता है कि अब हमें उसे छोड़ देना चाहिए, कहीं वो लोग तुम्हारा भी वही हाल ना करें जो उन्होंने मेरा और मेरे दोस्तों का किया है। लेकिन रिची किसी से डरने वालों में से नहीं था। हम देखते हैं कि वो देर रात को उनके पास जाता है और उन लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है।
इस गोलीबारी में गीना के पति की मौत हो जाती है और उसकी लाश के पास उन्हें एक लेटर मिलता है जिस पर रिची ने लिखा था कि वो उसके दोस्त से उस शराब को हटा दे, नहीं तो वो उन्हें ऐसे ही मारता रहेगा। अगले दिन उस जगह पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आती है, लेकिन उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि उन पुलिस वालों के बीच में रिची भी घुसपैठिया बनकर छुपा हुआ था। रिची गीना को बिल्ली की पुरानी फोटो दिखाकर कहता है कि हमें कल रात को हुए इस हमले को लेकर इस आदमी के ऊपर शक है। वो कहता है कि ये आदमी फिलहाल हमारी कस्टडी में है, लेकिन उसकी पहचान के लिए हमें आप में से किसी की जरूरत है। गीना पहचान के लिए रिची के साथ जाती है, लेकिन रिची उसे झूठ बोलकर अपने साथ एक सुनसान घर में लेकर जाता है जहां पर उसके अलावा और कोई नहीं था। रिची उसे भी मारने वाला था, लेकिन बिली उसे ऐसा करने से मना करता है। रिची गीना से कहता है कि वो उस बुड्ढे को उस शराब को वापस लेने के लिए बोले, नहीं तो अगला नंबर उसका होगा। वो कहता है कि तुम उसे बता देना कि बिली उसे आज शाम लाइट हाउस के पास मिलेगा, और इतना कहकर वो गीना के सिर पर एक एसिड की खुली बोतल रखकर वहाँ से भाग जाता है। गीना बड़े ध्यान से उस एसिड की बोतल को अपने सिर से हटाती है, लेकिन उसके आने से पहले वो दोनों वहाँ से भाग चुके थे। शाम होते ही रिची बिल्ली को लाइट हाउस के पास जाकर बैठने को कहता है। वो कहता है कि तुम डरो मत, वो बुड्ढा इस बार जरूर आएगा। जिसके बाद बिल्ली एक बेंच पर बैठकर उसका इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी सच में आ जाता है। वो बिल्ली की आंखें खोलता है और उसे होश में आने के लिए कहता है। बिल्ली की हालत बहुत खराब हो गई थी, इतनी खराब कि वो कुछ ही घंटों में मर जाता। वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया वो बहुत गलत था, जरा सोचो अगर वही उसकी बेटी के साथ हुआ होता तो वो क्या करता। बिली उसे कहता है कि वो दोनों में से किसी का बुरा नहीं चाहता, उसे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन वो इस तरह मरना नहीं चाहता। वो बूढ़ा आदमी बिली के लिए एक पाई लाया था, वो बिली के हाथ को काट कर उसके खून को उस पाई में मिला देता है और कहता है कि तुम फिर से पहले जैसे हो जाओगे और ये सब इतना जल्दी होगा कि तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होगा, लेकिन तुम्हें जितनी जल्दी हो सके इस पाई को किसी और को खिलाना होगा, तभी तुम शराब को अपने ऊपर से पूरी तरह से हटा सकते हो। लेकिन वो बिली को ये भी बताता है कि जो कोई भी उस पाई को खाएगा उसकी बहुत दर्दनाक मौत होगी। जाते जाते वो बिली को एक सुझाव देता है। वो कहता है कि तुम इस पाई को क्यों नहीं खा लेते, तुम पतले होकर मरोगे लेकिन वो मौत इतनी दर्दनाक नहीं होगी। बिली उसे कहता है कि तुम्हारा मुझ पर एहसान यहीं पर खत्म हुआ, अब मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखना चाहता, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि बिली का वजन फिर से बढ़ने लगा था और वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। बिली अपनी बेटी को फोन करता है और उसे बताता है कि आज वो वापस लौट रहा है, लेकिन वो इसके बारे में अपनी माँ को ना बताए, वो उन्हें सरप्राइज देना चाहता है। बिली अपनी इस हालत का जिम्मेदार हाइडी को मानता था, इसलिए उसने फैसला कर लिया था कि वो इस पाई को हाइडी को खिलाकर उसे मार देगा। इसके बाद वो देर रात को अपने घर आता है। जब हाइडी उसे देखती है तो वो बहुत खुश होती है, लेकिन सिर्फ बिली ही जानता था कि वो कितनी बड़ी चीटर है। बिली उसे कहता है कि वो वापस लौट आया है और अब वो कहीं नहीं जाएगा। वो कहता है कि वो उसके लिए एक पाई लेकर आया है, तुम जाकर उसे खा लो। अगली सुबह जब बिली अपनी नींद से उठता है तो वो बस अपनी वाइफ को देखना चाहता था। वो जैसे ही हाइडी के चेहरे से चादर उठाता है, हम देखते हैं कि उस पाई को खाने की वजह से हाइडी की बहुत भयानक मौत हुई थी। बिली बहुत खुश था कि उसने जैसे को तैसा दिया और अब वो अपनी जिंदगी आराम से जी सकता है। लेकिन जब वो नीचे आता है तो वो देखता है कि सिंक के अंदर दो जूठी प्लेट्स रखी हुई थी। वो समझ जाता है कि उसकी बेटी ने भी उस पाई को खा लिया है और वो भी अपनी माँ की तरह मारी जाएगी। बिली को बहुत पछतावा होता है कि उसने ये क्या कर दिया। अपनी खुद की बेटी को मारकर वो अपनी बाकी की जिंदगी चैन से नहीं जी सकता था, इसलिए वो फैसला करता है कि वो खुद भी उस पाई को खाकर सुसाइड कर लेगा। इतने दिनों से उसने जीने की इतनी जिद्दोजहद की, पर आखिर में उसने मरने का फैसला किया। बिली जैसे ही उस पाई को खाने वाला था, हम देखते हैं कि उसे दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। बिली जब दरवाजा खोलता है तो गेट पर माइक था, जो उसकी वाइफ से मिलने आया था। माइक बिली को अपने अचानक से आने का कारण ठीक से नहीं बता पाता, जो बिली का शक और गहरा कर देता है। बिली अब उसे भी मारना चाहता था, इसलिए वो उसे पाई खाने के लिए इनवाइट करता है। वो अपने चेहरे पर एक शैतानी स्माइल लिए हुए दरवाजा बंद करता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर आपके पास किसी को कर्ज करने की पावर्स होती तो आप किसे शराब देते, और क्या आपको लगता है कि बिली ने जो किया वो सही था? अकॉर्डिंग टू मी वो अपने ईगो को साइड में रखकर इस पॉइंट पर और भी अच्छा फैसला ले सकता था। आफ्टर ऑल किसी को मारना कोई सलूशन नहीं होता। कॉमेंट डाउन बिलो कि आप क्या करते। आई वुड बी वेरी ग्लैड टू नो योर ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक।